आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के परिसर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के परिसर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के परिसर में संगठनों ने कुल सचिव का घेराव किया। परिसर के बाहर जाने की कोशिश की तो उन्हें घेर खड़े हो गए। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। देखिए, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। लगभग 3-3.5 महीने का समय विद्यार्थियों को मिला था और परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी 3 बार बढ़ाई थी विश्वविद्यालय ने। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे में बहुत ज़्यादा छात्र ऐसे होंगे जो परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए होंगे। और अब चूंकि हमारी परीक्षा की तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, आपको जानकारी है कि परसों से हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे, तो पेपर छप चुके हैं, प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं, सारे सेंटर बन गए हैं, मतलब सब कुछ हमारा एक तरह से अगर हम कहें बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। तो इस स्थिति में परीक्षा फॉर्म भरवाने का अवसर दिया जाना संभव नहीं है, हम चाहें तो भी संभव नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के परिसर में कार्यकर्ताओं ने मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने से वंचित रह गए छात्रों को एक और मौका दिए जाने की मांग बुलंद। और दूसरी बात यह है कि जो वास्तविक छात्र हैं, ऐसे वास्तविक छात्र भी विश्वविद्यालय के पास नहीं आए हैं बड़ी संख्या में जो वंचित रह गए हों। अगर ऐसा होता है कि वास्तविक छात्र अधिक संख्या में हैं और हमारी जानकारी में आते हैं, या महाविद्यालयों द्वारा या उनके प्राचार्यों द्वारा अवगत कराया जाता है लिखित में कि इस महाविद्यालय से इतने छात्र हैं या इस महाविद्यालय से इतने छात्र हैं, और अगर वो संख्या ज़्यादा है तो फिर भी विश्वविद्यालय छात्र हित में उनके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता अवश्य निकालेगा जिससे उनका किसी भी प्रकार का अहित ना हो। हो सकता है कि हम उनके लिए एक विशेष परीक्षा का अवसर दें इसी समय में आगे पीछे, लेकिन अभी हमको तत्काल रूप से हम फॉर्म भरवा नहीं पाएंगे। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 24 जुलाई से शुरू होनी है। परीक्षा केंद्र तय हो चुके हैं और अब प्रवेश पत्र भेजे जा रहे हैं। छात्र संगठन के कार्यकर्ता जिद पर अड़े हुए हैं कि जो छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन्हें एक अवसर दिया जाना चाहिए। अभी बड़ी संख्या में छात्र फॉर्म भर नहीं पाए हैं। गत दिनों से वह इसी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।